अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि टिफ्लोन पट्टी आपने कैसे बनानी है और एलएनबी के अंदर आपने कैसे लगानी है। दोस्तों, ऐसे वाला आप ले लें, सेम वाला कार्ड को काट के आपने एलएनबी से पमैश कर लेनी है। जितना का एलएनबी के अंदर जाए कार्ड, उतना का आप काट लें। ये दो देख रहे हैं ना, अंदर जो पिनें लगी हुई हैं दो, इनके सेंटर में आपने लगानी है वो वाली जो कार्ड आप बनाएंगे। डबल कार्ड का काट लें आप, एल्फी के साथ जोड़ लें। ये देखें, मेरे पास एल्फी भी हो रही है और ये देखें, मैंने डबल कार्ड काट के ना जोड़ा हुआ है एल्फी के साथ। तो ये चेक करें, अभी आपको मैं लगा के चेक करवाता हूँ कि आपने कैसे लगाना है। और ऐसे वाले आपके पास हो जिससे थोड़ा सा बंदा इसको घसा लेता है और उसके अंदर फिक्स ठीक हो जाती है, तो अभी आपको लगा के मैं चेक करवाता हूँ कि कैसे लगेगी इसके अंदर, एलएनबी के अंदर। दोस्तों, ये चेक कर लें, ये दो पिन्ने जो लगी हुई हैं ना, इनके सेंटर में आपने लगाना है। ये दो पिनें जो लगी हैं ना गोल्ड कलर की, ब्लैक अल्ट्रा में गोल्ड कलर की होती है, इनकी सेंटर में आपने बिल्कुल सेंटर में एक पिन एक साइड पे हो और दूसरी पिन दूसरी साइड पे। दोनों तरीक़ों से मैं आपको आज समझाता हूँ कि दो तरीके कैसे कैसे लगेगी। अभी मैं लगा के आपको बताता हूँ, ये देखें। दोस्तों, ये अभी चेक करके मैंने लगा ली है। ये देखें, एक पेन एक साइड पे है और दूसरी पेन दूसरी साइड पे है, ठीक है ना। ये तकरीबन देख लें, थोड़ी सी बैर है, बाकी सारी जो पट्टी है ना वो अंदर चली गई है। ये चेक कर लें, गौर से चेक कर लें। ये देखें, तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कितनी की लंबाई से आपने काटनी है। और दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, दूसरे तरीके से कैसे आपने लगानी है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है, वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का फर्क पा जाता है। जो टिपी आपके पास इस तरीके से, जो टिपी आपके पास हॉरिजेंटल की आ रही है ना, तो दूसरे तरीके लगाने से आपके पास वर्टिकल की आएगी, ठीक है। अभी मैं आपको लगा के बताता हूँ कि दूसरा तरीका कौन सा है। जी तो दोस्तों, तरीका जो दूसरा मैंने आपको बताया था, ये वाला देख लें। ये तरीका है दूसरा कि एक साइड पे दोनों पिन्ने हैं और दूसरी साइड पे कार्ड है। ये चेक कर लें, दूसरा तरीका। इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी वर्टिकल में आ रही है वो हॉरिजॉन्टल में हो जाएगी, पहले वाली फ्रीक्वेंसी बंद हो जाएंगी, दोबारा आपको ट्यून करना पड़ेगा। तो इससे भी अच्छा रिजल्ट आता है, तो ये चेक कर लें तसल्ली से। दोस्तों, यही तरीक़ाकार है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे रब्ता आप कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद समझा दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। जी तो दोस्तों, एक बात मैं भूल गया था, इसकी पैमाइश ये चेक कर लें। एक इंच और चार पॉइंट है, ये चेक कर लें। तकरीबन डेढ़ इंच से थोड़ा सा कम है, सवा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये चेक कर लें दोस्तों। और दो जो दोस्तों इसकी चौड़ाई है वो भी चेक कर लें, एक दो तीन चार पाँच छः, तकरीबन छः साढ़े छः पॉइंट है इसकी जो चौड़ाई है। वो एलएनबी के हिसाब से आप काट लेना, जितने के एलएनबी के अंदर चली जाए आसानी से, नीचे ना गिरे, उस हिसाब से आप काट लेना। बाकी लंबाई मैंने आपको बता दी है वीडियो में। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपने करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। खुदा हाफिज़।